तरीके से अगर हम सॉल्व, तो हमारे पास क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो बहुत बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर। हम गलती क्या करते हैं, हमको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम हमारे पास आता है तो उस क्वेश्चन को हम स्ट्राइक करें विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की कोई बात नहीं होती है, हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल पे भी पूछा जा सकता है। अब पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा बच्चे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 100 सेंटीमीटर की। ये बच्चा आपके पास यहाँ पर वायर आ गया। इट हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और इस पर्टिकुलर वायर की खुद की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 10 ओम के बराबर है बच्चे। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड द बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, और बच्चा हमारे पास इसको कनेक्ट किया गया बच्चा, हमने जब भी टीचर बात करेगा वो प्राइमरी सर्किट की बात करेगा। ये आपके पास 2 वोल्ट है और एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ बच्चा हमने इसको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया बच्चा आपके पास ऐसे, और इसके वायर की लेंथ बच्चा हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, ये 2 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ओम। अब आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है सोर्स ऑफ 10 मिलीवोल्ट, अ सोर्स ऑफ 10 मिलीवोल्ट इज अ 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट, इसको बैलेंस कर दिया गया बच्चे कितने पे, लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे इसको बैलेंस कर दिया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें बच्चे, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, प्लीज रेफर कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन। तो रेफर कर देना बच्चे आप ग्रुप के अंदर बच्चे, जहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहला काम बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले बताओ अगर ये EMF बच्चा हमारे पास E के बराबर है और बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो नंबर वन स्टेप बच्चा हमारे पास ये जो EMF है ये किसके बराबर होगी, K मल्टीप्लाइड बाई L के बराबर। सही या गलत, आप खुद सोच के देखिए, ये प्लस होता है ये माइनस हो जाता है, और E जब भी बच्चे बैलेंस हो जाती है तो ये ई नीचे वाली वोल्टेज हमेशा किसके बराबर होती है आपके पास, ये हमेशा 40 सेंटीमीटर जैसी बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हो जाती है। सो 10 × 10⁻³, क्योंकि मिली वोल्ट है, इज इक्वल टू के, मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, और मेरे पास यहां पर के किसके बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ अपॉन आपके पास यहां पर 4 वोल्ट पर आपके पास यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है किसका, इस वायर का। सेकंड, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आता कैसे है, दिमाग लगाओ, ये बच्चा आपके पास आ जाता है वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। अब बताओ हमारे पास क्या क्या गिवन है, के हम निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ वायर ये गिवन है, तो टोटल वोल्टेज ऑफ वायर भी आ जाएगी, टोटल वोल्टेज जो इस वायर पे, तो हमारे पास यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर है 10⁻³ और 4 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से आपके पास सेंटीमीटर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 100 ऊपर गया 10⁻² और आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 10⁻³, तो 10⁻³ तो 10⁻⁴, ये वोल्टेज अक्रॉस आपके पास क्या आ गई, वायर आ गई। This is the voltage across wire. This is the voltage across wire. अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो ये बच्चे 25 मिली वोल्ट भी आ सकती है, ये वोल्टेज ऑफ द वायर। अब दिमाग लगाओ, ये 2 वोल्ट में से, दिमाग लगाओ बच्चे, 2 वोल्ट में से
आपके पास वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई है, 25 मिली वोल्ट, ये यहां पर आ गई है। तो बाकी वोल्टेज कहां की तरफ को चली गई है, इस आर रेजिस्टेंस के ऊपर, इस आर रेजिस्टेंस के ऊपर। तीसरा स्टेप है बच्चे, करंट इन वायर कितना चल रहा होगा बच्चे, करंट इन वायर, तो वोल्टेज ऑफ द वायर ये बच्चे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन है बच्चे हमारे पास। वोल्टेज ऑफ वायर है 25 मिली वोल्ट और रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितने के बराबर है, 10। तो ये बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 2.5, और बच्चे आपके पास मिली एम्पेयर का करंट चल रहा है। यही करंट बच्चे हमारे पास यहां पर भी जाएगा, ये करंट बच्चे आपके पास यहां पर भी जाएगा, 2.5 मिली एम्पेयर का करंट बच्चे आपके पास यहां पर भी जाएगा। अब रह गया लास्ट और डिसीजिव स्टेप, लास्ट और बच्चा हमारे पास डिसीजिव स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब लास्ट स्टेप को अब हमने एग्जीक्यूट करना है और मेरे पास आर रेजिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले क्या मैं 2 वोल्ट को मिली वोल्ट में लिख सकता हूं, और लिखूंगा भी तो कैसे लिखूंगा, जरा सोच के बताइए। क्या मैं यहां पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, शाबाश बोलो, दिस विल बी 2000 मिली वोल्ट। सबसे पहले तो ये बात बताओ, ये बात आपको क्लियर हो रही है, ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है तभी मैं आगे चलूं। मैं इस 2 वोल्ट को 2000 मिली वोल्ट लिख सकता हूं। अगर किसी बच्चे ने इसको दोबारा से 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये कैंसिल होकर 2 वोल्ट आ जाएगा। अब इस 2000 मिली वोल्ट में से 25 मिली वोल्ट यहां पर निकल गया, तो कोई बच्चा बता सकता है कि इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज रह जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, शाबाश कितनी रह जाएगी, 2000 माइनस ऑफ 25 मिली वोल्ट, बोलो शाबाश कितनी आ जाएगी जी, कोई बच्चा बोलो बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास, बोलो ये 2000 में से 25 निकाल दो, 1975 कितना बच्चे, 1975 ये बच्चे 1975 मिली वोल्ट है बच्चे हमारे पास। अब बच्चे वोल्टेज भी आ गई, करंट भी आ गया, निकालने वाली क्या चीज रह गई बच्चे, शाबाश बताओ, रेजिस्टेंस। अब तो ओम्स लॉ लगाकर कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, और मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज है बच्चे 1975 मिली वोल्ट, और बच्चे आई यानी कि बच्चा हमारे पास 2.5 आई इंटू बच्चे मिली एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस आर, मिली से बच्चा आपके पास मिली कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 1975 अपॉन बच्चे 2.5, इतने ओम की बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, इतने ओम की बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, थोड़े से टेक्निकल होते, ये थोड़े से बच्चे हमारे पास टेक्निकल होते हैं, अगर आप इनको ढंग से करोगे तो ये निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप भाग दौड़ करोगे तो कभी निकल नहीं। बोलो बोलो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछने वाला है, ये बच्चे 790 ओम के आसपास इसका आंसर आ जाएगा जी। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, बोलो शाबाश बोलो, अगर क्वेश्चन पूछना है आराम से पूछिए, आज बच्चे आपको पोटेंशियोमीटर की असाइनमेंट मिल जाएगी, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज असाइनमेंट मिल जाएगी बच्चे आज, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। क्वेश्चन नहीं आना कमजोरी नहीं होती है, क्वेश्चन नहीं आना और बच्चे उसके डाउट्स नहीं लेना ये आपको कमजोर बना देती है, ये आपको बच्चे कमजोर बना देती है। इंपॉर्टेंट बच्चे ये नहीं है कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट है जो नहीं आता है उसके डाउट्स आप कैसे लेते हो। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बोलता है कि मैंने पूरा कवर कर लिया और मेरे 10 क्वेश्चन नहीं आते, बेटा वो 10 क्वेश्चन ही आपकी कमजोरी है, जो आता बच्चे वो कमजोरी थोड़ी ना। तो जो आपकी वीकनेस है लिखते हुए समझते हुए वो आपको एक एक करके बच्चे हमको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कि अच्छा इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको इस तरीके से करना था, और फिर जब आप डाउट्स ले लेते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। अभय ठीक है बेटा ये क्वेश्चन, अभय ठीक है बेटा ये क्वेश्चन, यस सर। ये क्वेश्चन बच्चे अब मैं बता देता हूँ, पहले नहीं बताया था, ये क्वेश्चन बच्चे आईआईटी के अंदर आया था,
ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आया था, और इसमें कुछ नहीं था, टीचर ने सिंपली चीजों को घुमाया फिराया था। वो हर चीज पूछेगा, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो फंडामेंटल चीज है ना वो रेजिस्टेंस ही, बाकी कुछ नहीं। कोई डाउट और अभय, कोई और डाउट बेटा, अभय कोई और डाउट बेटा, अभय इसे बच्चे सर का इसके अंदर से कोई डाउट है तो पूछो। शाबाश बेटा, देखो अगर अभी नहीं पूछोगे, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो वो क्वेश्चन अटकेंगे, और जब क्वेश्चन अटकेंगे बच्चे फिर आप बोलोगे कि सर आप डाउट्स ले लीजिए, ठीक है, तो वहां पर आपका काम डबल हो जाएगा, समझो। वो काम डबल हो जाएगा भाई आपका, वो काम सिंगल नहीं, वो डबल, क्योंकि भाई आप आपको नेक्स्ट टॉपिक भी करना है। और जब आप किसी की तैयारी, ये मत सोचना कि जब मैं टेस्ट की तैयारी शुरू करूंगा, एक बात बच्चे फंडामेंटल समझना, हम 10th क्लास तक क्या करते हैं, 10th क्लास तक हमको लगता है हम जल्दी जल्दी कवर करके रिवीजन करवाई जाती है, क्योंकि आपको याद करवाना होता है। यहाँ पर आपको पहली बार में अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ ना बच्चे, आप 1000 बार रिवीजन करोगे, आप बच्चे अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट के ऊपर ही अटकोगे, समझने वाले पॉइंट पर ही अटकोगे, याद करने वाले पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे। रिवीजन करने से चीजें याद होती हैं, समझ में नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आप जब आप रिवीजन करोगे तो फंस जाओगे अगर अभी नहीं समझ पाओगे। क्लियर है? मैं आगे चलूं बच्चे? मैं आगे चलूं बच्चे? श्योर है? श्योर है बच्चे? अभी ठीक है? ठीक है बच्चे, चलो। यस सर अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर का बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि बच्चे ने न्यूमेरिकल भेजा, और किरचॉफ रूल के भी एक दो बच्चे पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरे बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे बेटा तो फिर वो थोड़ा सा मामला किरचॉफ रूल से अटकना शुरू हो जाएगा बच्चे मामला। तो इस वजह से जल्दी से बच्चे आप मुझे बताओ सब के सब बच्चे कि सर किरचॉफ रूल हो गया कि सर अब तो सर डाउट ले लो। मैं भी वेट कर रहा हूँ बच्चे कि आप बच्चे पूछो। चलिए, सो यहाँ पर बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, उसको हम खत्म कर दे, उसको बच्चे हम खत्म कर दे, उसके बाद आगे की तरफ को चल। हमने कल बच्चे पावर को देखा था, पावर रेटिंग को देखा था, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी बच्चे कि हमारे पास पावर रेटिंग क्या होती है, और पावर रेटिंग से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। नंबर 1, मैं फिर आपको एक चीज की वार्निंग देता हूँ, पावर इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या होता है, वी है। ये क्या चीज, ये बच्चे हमारे पास है, दिस इज द पावर कंजम्पशन एट द सोर्स, द पावर कंजम्पशन एट द सोर्स, एट द सोर्स, द पावर कंजम्पशन एट द सोर्स, ये बच्चे पावर कंजम्पशन एट द सोर्स। और अगर पावर बच्चे मेरे पास यहां पर आ जाती है I² R, और बच्चे हमारे पास V² R, ये क्या चीज है बच्चे, पावर डिसिपेटेड एट दी अप्लाइंस, दिस इज द पावर डिसिपेटेड एट दी अप्लाइंस। यानी कि जो हमारे पास अप्लाइंस है बच्चे, जो बच्चे हमारे पास अप्लाइंस है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, वहां पर जो बच्चे पावर डिसिपेट होगी वो इस तरह दी जाएगी। इन दोनों के अंदर बच्चे फर्क है, पहली चीज इस पे ध्यान देना। फिर बच्चे हमारे पास दूसरी किस बात पे ध्यान देना बच्चे, जो भी पावर होती है वो वॉट के अंदर होती है, और जो बच्चे वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज हो जाती है, सबसे पहले बच्चे रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस ये कैसे दी जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस ये कैसे दी जाती है। बेटा किसी का माइक ओपन है, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस कैसे दी जाती है बच्चे, वी स्क्वेयर अपॉन पी। यहां पर बच्चा हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे रेटिंग लिखी जाती है। आजकल आप देखते होंगे कि लिखा जाता है कि ये अप्लायंस 5 स्टार है या 3 स्टार है या 2 स्टार है, उस पर रेटिंग की जाती है। और रेटिंग के अंदर बच्चे क्या दिया जाता है, पावर पी वॉट एंड वोल्टेज बच्चे हमारे पास वी वोल्ट, ये रेटेड होती है, इन पे रेट लिखा होता है कि इतनी वोल्टेज पे आप इतनी पावर को डिसिपिएट करोगे, लेकिन अगर वोल्टेज चेंज कर दोगे तो पावर भी चेंज हो जाएगी। ये बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कोई टीचर आपको लिख देता है 100 वॉट
और बच्चा आपके पास यहाँ पे लिख देता है 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 वोल्ट लगाओगे तो 100 वॉट की आपके पावर फूकने लग जाएगी, वो बच्चे डिसिपेट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, पावर जो बच्चा आपके पास अपीयर होती है, जो पावर बच्चे अपीयर होती है वो बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है, पावर जो कि रेटेड है बच्चा हमारे पास, पावर जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पे रेटेड है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर द वोल्टेज, जो वोल्टेज बच्चा आप अप्लाई कर रहे हो बच्चे, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो कि रेटेड है आपके पास, और इसका होल स्क्वायर। और बच्चे हमारे पास इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले है बच्चे जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ये वो फॉर्मूले है बच्चे जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, और बड़े इजीली कोई भी बच्चा इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। मैंने एक या दो क्वेश्चन आपको करके भी बताए और पता भी लग गया बच्चे कि कैसे 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब आपके पास 25 वॉट का बन जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकते हैं। शाबाश, है किसी बच्चे को डाउट, है किसी बच्चे को डाउट बेटा, चले आगे, चले आगे बेटा। एक आधा बच्चा तो बोल सकता है ना, हाँ या ना, सभी अगर सभी का इंतजार करते रहेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी ना, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ सर आप आगे चलो, नहीं तो सर आप दोबारा समझा दो। बोलो शाबाश, बोलो बेटा, फिर से रिपीट करो, लास्ट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन करना। हाँ मैं लास्ट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूँ। देखो एक चीज तो तू मानती होगी बच्चे, ये बच्चे मेरे पास एक बल्ब है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास बल्ब है, इस बल्ब के लिए बच्चा हमारे पास सपोज पावर रेटेड पी आर है और वोल्टेज रेटेड वी आर, तो इसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी जरा बता बच्चे मेरे पास, इसके रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है, वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड का स्क्वायर, हायर पावर रेटेड बच्चे हमारे पास हायर ना, फॉर्मूला तो ये है ना रेजिस्टेंस निकालने का। अब रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या रेजिस्टेंस जो होती है बच्चे, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करती है, आंसर है नो, करंट पे डिपेंड करती है, आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, आंसर है बच्चे नो, क्योंकि रेजिस्टेंस बच्चा आपके पास किस पे डिपेंड करती है, रो एल अपॉन ए, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, ये बच्चे आपके पास करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब बच्चे अगर मान लिया तो एसी अप्लायंस के अंदर जिसकी कुछ पावर रेटेड है और वोल्टेज रेटेड है, मैं कोई नई पावर आपके पास वोल्टेज लगा देता, ये नई वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, ये वोल्टेज अप्लाइड है, ये नई वोल्टेज है, और बच्चे यहाँ पर पावर एक नई अपीयर हो रही है, क्या ऐसा करने से बच्चे, क्या ऐसा करने से बच्चे इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आएगा, आंसर है नहीं, आपकी रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब इससे आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, वोल्टेज अप्लाइड का होल स्क्वायर अपॉन पावर जो अपीयर हो रही है, जो ट्रू नहीं है, जो अपीयर हो रही है, इस ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं है, इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर पावर रेटेड इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाई का स्क्वायर पावर अपीयर। अब जल्दी से बताओ जो पावर अपीयर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पावर जो कि रियल है बच्चा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज रेटेड और इसका होल स्क्वायर, तो ये बच्चा आपके पास क्या बन जाएगी, नहीं पावर। समझने की कोशिश करो बच्चे, मान लिया जाए कि टीचर मुझे यहां पर बोल देता है ये मेरे पास एक 50 वॉट का बल्ब है और किसके ऊपर बच्चे 50 वोल्ट के ऊपर, ठीक, और टीचर अब मुझे बोलता है कि लेकिन किसी पर्सन की कोई मजबूरी थी और उसने 50 वोल्ट नहीं 20 वोल्ट लगा दिया, 50 नहीं 20 वोल्ट लगा दिया, अब बताओ कितनी पावर होगी, नेचुरल सी बात है कि 50 तो होगी नहीं क्योंकि 50 आपको 50 वोल्ट पे मिलेगी, तो अब बच्चे हमारे पास जो पावर अपीयर होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो 20 और वोल्टेज बच्चे जो कि आपके रेटेड है 50, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर
मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है पावर, जो कि बच्चा आपके पास रेटेड है जो कि 50 वोल्ट है। तो बच्चा हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 4/25 इंटू बच्चा हमारे पास 50 वोल्ट, ये बच्चे कैंसिल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये बच्चे 2 आ जाएगा। बताओ ये बल्ब आपको कितने वॉट का नजर आएगा बच्चे? 8 वॉट। अगर आप 20 वोल्ट की वोल्टेज लगाते हो तो 50 वॉट का बल्ब बहुत डिम बच्चे उसमें से लाइट आएगी, क्योंकि आप कम वोल्टेज लगा रहे हो, क्योंकि आप कम वोल्टेज लगा रहे हो। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप वोल्टेज कम लगाओ या ज्यादा लगाओ रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट से बच्चे हम इस फॉर्मूले तक पहुंच पाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जी। अब बच्चे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आप फटाफट लगा कर देखिए। सर बोल बोल बच्चे, शाबाश बोल। सर वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाएगी तो भी पावर अप्लाइड भी ज्यादा हो जाएगी। देखो अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाती है एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर तो दे रखी होती है रौनक प्रैक्टिकली। जैसे कि अगर तू मान लिया जाए गाड़ी के अंदर हवा भरवाने के लिए जाता है रौनक, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो 32 की 32 भर देता है, कई बार उसकी 32 पॉइंट कुछ हो जाती है, कई बार 32 से थोड़ी कम रहती है। तो वो एरर का बच्चे हमारे पास पार्ट तो रहता है बच्चे, लेकिन बच्चे अगर बहुत बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब कि तू कोई बल्ब बनाता है 100 वोल्ट पे चलने के लिए और तू 200 वोल्ट लगा देता है, तो भाई साहब वो बल्ब तो पटाखा मारेगा ना बेटा, वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा करंट ले ही नहीं सकता। आप देखिए आपके घरों के आसपास MCB है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर, आपके जितने अप्लायंसेज हैं उनके अंदर छोटे मोटे फ्यूज दे रखे होते हैं कि जैसे ही ज्यादा करंट आएगा तो कनेक्शन ब्रेक कर देगा, अगर कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा बच्चे तो सर्किट डैमेज हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो रेटेड वोल्टेज है उससे कम या उसके बराबर देने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो सर्किट डैमेज हो सकता है। वो ग्लो हो जाता है ना बच्चे, कभी देखना कई बार पता नहीं, अब आजकल के दिनों में तो बच्चे बहुत बहुत देर हो गए बच्चे देखे हुए, लेकिन बच्चे इतना याद है बच्चे हमारे देखा था तभी पूछ रहा था। ऐसा लगता है कि बल्ब मतलब कि सूरज ही निकल आया कमरे के अंदर, एकदम से आता है। और कई बार तो बच्चे इतना ज्यादा असर होता है, टीवी फ्रिज कई लोगों का तो बहुत नुकसान हो जाता है, मतलब कि वो डैमेज कर देता है बच्चे एक्सेसिव ऑफ कर, और उसका कोई हर्जाना थोड़ी ना मिलता है बच्चे आपको। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चे, ये बच्चे मेरे पास एक बल्ब है सर, एक मिनट पीछे करना बोलो, ये यहाँ पर बच्चे पीछे वाला पिछली स्लाइड की ये वाला बच्चे बोलो, सिर्फ पिछली स्लाइड कर रहे हैं। दो मिनट इसको पहले मैं डाउन कर लूं, पिछली स्लाइड अब कैसे जाएंगे, रुक जाओ। बोलो बच्चे। ओके सर कर लो, हो गया बस बोल। तो ये बच्चे हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या निकल कर आता है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास अब ये निकल कर आता है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बच्चे ये निकल कर आता है कि सपोज कि मेरे पास यहाँ पर बच्चे एक बल्ब है, ये बच्चे आपके पास बल्ब है, और किसी टीचर ने बोल दिया कि ये 50 वॉट का बल्ब है एट 120 वोल्ट, और कोई टीचर आपको बोलता है कि जी मैं अगर इसमें से आपके पास पावर क्या होगी अगर मैं 60 वोल्ट लगा दूं तो इसी बल्ब के अंदर, फिर ये क्या पावर शो करेगा, ये रेटेड है, ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है ये रेटेड है। तो अब जो पावर बच्चा हमारे पास हो जाएगी 60/120 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 50 वोल्ट। देखो क्या मुश्किल है यार, मुझे बताओ तो सही, 60/ बच्चे 120 का होल स्क्वायर इंटू 50, तो पावर इज इक्वल टू बच्चे ये हाफ आ जाएगा, और यहां पर बच्चे 50/4 के आसपास आ जाएगा, और ये बच्चे हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे 4, तो 4 इंटू बच्चे आपके पास 11/44 बच्चे आपके पास, तो करीबन बच्चे हमारे पास 44.6, तो बच्चे आपके पास यहां पर फिर दोबारा से, तो चलो अप्रोक्सीमेटली बच्चे हम इसको कितना मान के चल लेते हैं बच्चे, यहां पर बच्चे 12 वॉट के आसपास का एक बल्ब बन जाएगा। 50 वॉट का बल्ब 60 वॉट के वोल्ट के ऊपर जाकर बच्चे 12 वॉट के बल्ब की तरह काम करेगा,
बहुत डिम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे बच्चे तो आप घबराने का नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत आराम से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास, फोकस करना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब यहां पर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चे, आपके पास यहां पर हम शुरू करते हैं बच्चे, आपके पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ध्यान से समझिए। ये बच्चा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ये इसकी एक पावर है, इसकी पावर है P1, और बच्चा हमारे पास सीरीज के अंदर ये दूसरी अप्लायंस है और इसकी पावर है P2, और ये बच्चा हमारे पास इसकी पावर आगे P3, तीनों की पावर अलग अलग है, P2 और बच्चा हमारे पास P3, ये P1 वॉट, ये P2 वॉट और ये P3 वॉट, और हमारे पास इसके साथ नीचे एक वोल्टेज लगा दी गई। ये बच्चा हमारे पास नीचे क्या लगा दी, एक वोल्टेज लगा दी, P1, P2 और बच्चा हमारे पास P3, ध्यान से समझना। नंबर वन बच्चा हमारे पास, यहां पर अगर आपको नेट पावर निकालनी है सीरीज में तो ये इनवर्स ऐड होकर आती है। सो जो नेट पावर होती है सीरीज में, दिस इज गिवन बाय 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/ बच्चे P3, नंबर वन। ये पहला पॉइंट याद रखना, और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, पावर किसी भी अप्लायंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ अ अप्लायंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देयरफॉर अब फोकस करना, अगर बच्चे यहां पर पावर P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चा हमारे पास P1 की पावर ज्यादा है, P2 की पावर ज्यादा है, फिर P3 की पावर, यानी कि ये मेरे पास आ गया 100 वॉट, ये आ गया 60 वॉट, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया 40 वॉट, यानी कि पावर आपके पास इस तरीके से चेंज हो गई। और याद रखना बच्चे, जिसकी जितनी बड़ी पावर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, उतनी बच्चा हमारे पास यहां पर कम रेजिस्टेंस होगी। यहां पर 40 वॉट का जो बल्ब है, जिसकी वॉटेज आप बोलते हैं घरों के अंदर 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, तो 0 वॉट के बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, याद रखना बच्चे। और आपके घर में अगर 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। और जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी सीरीज के अंदर, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा हमारे पास, सीरीज के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस विद ग्रेट वैल्यू गेट्स मैक्सिमम वोल्टेज। इसके पास हमारे लिए क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज किसके पास बच्चे, इसके पास 40 वॉट के पास, यहां पर 40 वोल्ट के पास सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगी। यानी कि अगर ये वोल्टेज है V1, ये V2 और ये V3, तो याद रखना V1 आपके पास less than V3 बच्चे, एंड हेंस और इसी वजह से बच्चा हमारे पास बल्ब है बच्चा हमारे पास विद द लोएस्ट पावर glow more than other bulbs in series। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी बच्चे, आपके पास याद रखना, हमारे पास यहां पर ब्राइटनेस ऑफ द 40 वॉट इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ द 60 वॉट, इट इज ग्रेटर देन द ब्राइटनेस ऑफ 100 वॉट। यहां पर सबसे ज्यादा कौन ब्राइट ग्लो करेगा बच्चे हमारे पास,
जिसकी वोल्टेज जिसकी पावर सबसे कम है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज वो ज्यादा लेगा और वोल्टेज ज्यादा लेगा तो ग्लो भी ज्यादा कर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बच्चे ये भी मैं आपको बता दूं बच्चे, यहां पर आपके पास द टेंडेंसी टू फ्यूज इजिली, द फ्यूज टेंडेंसी, जो बच्चा हमारे पास फ्यूज होने की टेंडेंसी है, जो बच्चा हमारे पास यहां पर फ्यूज होने की टेंडेंसी है, diffuse tendency is more in diffuse tendency, जो fuse tendency है बच्चा हमारे पास is more in 40 volt, is more in 40 volt, यानी कि 40 watt का बल्ब ही सबसे पहले बच्चा आपके पास फ्यूज होगा, उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है, वो ज्यादा पावर डिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से बच्चे वो आपके पास जल्दी फ्यूज होने की टेंडेंसी रखे। ये पहला पॉइंट है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है बच्चे जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, ये सीरीज की कहानियां और इसको बच्चे आपने इग्नोर नहीं करना। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चे आप इस चीज को समझ सकते हो बच्चे। शाबाश सर, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, ये बच्चे प्रैक्टिकल होती है बच्चे, इसको प्रैक्टिकली आप सीरीज में लगाते हैं वैसे। हाँ लगाते हैं बच्चे, जब आप लैब के अंदर जाते हो तो आप लगाते हो बेटा इसको, लैब में आपको बताया जाता है, आपके प्लस टू के लैब में अगर स्कूल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट होगा तो टीचर, मैंने करके बताया हुआ बच्चों को बेटा, मैंने बच्चों को करके बताया हुआ, जिसके अंदर से हम लैब के अंदर जाते हैं, बोलते हैं देखो ये सीरीज में लगा हुआ है, इसकी वोल्टेज सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है और फिर अगर उसको काफी देर तक लगे रहने दो तो फ्यूज भी कर जाता है। तो ये बच्चे बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमें ऐसा तो नजर आता नहीं, क्योंकि आपके घरों में कनेक्शन क्या होता है, सीरीज होता है कि पैरेलल होता है, सीरीज होता है कि पैरेलल, तो हम कभी देख ही नहीं पाते, हमारे लिए सिचुएशन अब दूसरी आ जाती है। अब हमारे पास सिचुएशन बच्चे दूसरी आ जाती है बच्चे, और हमारे पास सिचुएशन क्या बच्चे, पैरेलल की ज्यादा प्रैक्टिकल, ये बच्चा आपके पास पैरेलल की सिचुएशन बच्चा हमारे पास यहाँ पर है, सो वी हैव द पैरेलल ग्रुपिंग, ये बच्चा हमारे पास है पैरेलल ग्रुपिंग बच्चे, हमारे पास यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर बच्चे आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर बच्चे P1, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर P2 है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास है P3, ये बच्चे P1, P2 और P3। मैं आपको कल की एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पर एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, उसके छोटे ब्रदर का कॉल आया बच्चे मुझे, बेटा उस बच्चे ने मतलब कि जन्म खुद से, मतलब कि वो सही बोल रहा है या झूठ बच्चे, लेकिन मैंने टेस्ट लेके देखा तो सारे आंसर ठीक थे, बट उसके अब क्योंकि बच्चे जो टेस्ट मैं लेता हूँ बच्चे, तो फिर मैंने अपने आप से कुछ इधर उधर से क्वेश्चन बनाकर देखे जिनके आंसर्स गूगल में थोड़े से इधर उधर नहीं मिलेंगे। तो एक बच्चा कल मुझे ऐसा मिला प्लस वन का, जिसने खुद से बच्चे HC वर्मा वर्क पावर एनर्जी तक खुद सॉल्व की, खुद से मतलब कि कल वो बच्चा मतलब कि मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैं बोला यार बड़ा गजब है यार तू तो यार, है ना, और वो वन ऑफ माई मेरी जो स्टूडेंट है उसका छोटा भाई है, तो मैं बोला कि यार मतलब कि उसने सिखाया तो नहीं, वो कहता कि नहीं मैंने खुद जो है इसको समझा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बच्चा हमारे पास जो मैंने उस बच्चे से सीखी और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही वॉज मतलब कि वो बच्चे में मैंने एक बात समझ देखने की कोशिश की, क्वेस्ट फॉर नॉलेज, बल्कि वो ये नहीं था कि ऐसा ऐसा जो है इमीडिएट मतलब कि वो इमीडिएट गेन्स की तरफ नहीं, सर मेरे को ना बड़ा मतलब कि नासा के अंदर जाने का शौक है, या फिर मतलब कि वो काफी लॉन्ग विजन के अंदर, बल्कि उसने मेहनत जो करनी स्टार्ट की जनवरी या फरवरी से, वो एक लॉन्ग विजन लेके कि सर मेरे पास सिर्फ एक ही था कि मैंने नासा के अंदर जाना है और अपनी कोई ना कोई एक चीज जो है वहां पर रखनी है, मैंने उनके साथ काम करके देखना, बेस्ट ऑफ द ब्रेन के साथ। तो देखो जी हमारे आसपास काफी लोग मिलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स भी हमें इंस्पायर करते हैं, टीचर्स बोले यार बहुत गजब, मैंने बोला यार मैं बोला तेरी उम्र के अंदर तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था, हम तो साइकिल के अंदर घूमते रहते थे। तो कल मुझे एक ऐसा बच्चा मिला, मतलब कि पठानकोट का ही, और इवन पठानकोट के अंदर ही है वो बच्चा, और बहुत बढ़िया, जिसको मैं बोल सकता हूँ बच्चे कि वो जिसको बोल सकते हैं लगन के साथ लगा हुआ, लगन के साथ। तो सबसे पहले बच्चे ये बात जरूर देखना, अपने आसपास ऐसे बच्चों से इंस्पायर होने की कोशिश करना बच्चे,
तो ये बच्चे P1 आपके पास वॉट है, ये P2 वॉट है बच्चे, और ये P3 वॉट है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास है 100 वॉट, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60 वॉट, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा मान लो 20 वॉट। साफ पता बच्चे, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ P1 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ P2 लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ P3, तो इससे क्या होगा, करंट किसके अंदर सबसे ज्यादा जाएगा बताओ बच्चे, करंट सबसे ज्यादा किस में जाएगा, 100 वॉट के अंदर, 60 वॉट के अंदर कि 20 वॉट के अंदर। अगर ये करंट है I1 तो ये I1, ये बच्चा हमारे पास I2 है, 100 का मतलब कम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट ज्यादा जाएगा I2 से, और I2 और ये बच्चा I3, तो ये बच्चा आपके पास ज्यादा जाएगा और ये बच्चा हमारे पास आ गया I3, तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, और इस केस के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होगा, नंबर वन नेट पावर कैसे आ जाएगी आपके पास, नेट पावर आ जाएगी P1 प्लस ऑफ P2 प्लस ऑफ P3। यहां पर सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा बच्चे हमारे पास, यहां पर बच्चे दे बल्ब विद मैक्सिमम वोल्टेज, दे बल्ब विद मैक्सिमम वोल्टेज, विद मैक्सिमम वोल्टेज, एक बल्ब जिसकी वोल्टेज मैक्सिमम है बच्चे, मैक्सिमम 100, दे बल्ब विद द मैक्सिमम वोल्टेज विल ग्लो मोर, ये बच्चा आपके पास ज्यादा ग्लो करेगा, ग्लो मोर देन अदर्स एंड आल्सो, और साथ ही साथ बच्चे एंड आल्सो हैज टेंडेंसी टू गेट फ्यूज एंड हैज द टेंडेंसी टू गेट फ्यूज इजली, टू गेट फ्यूज इजली, टू गेट फ्यूज इजली, ताकि बच्चे ये हमारे पास इजली क्या हो सके, फ्यूज हो जाए। जी लग गया पता बच्चे आपको, ये वाली चीज लग गई बात पता बच्चे आपको, yes, यानी कि रोनित यहाँ पर आपके घर में 100 वॉट के बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो 60 वॉट से ज्यादा होगी, और 60 वॉट की बच्चे 20 वॉट से आपके पास ज्यादा हो जाएगी, ये बच्चा आपके पास ज्यादा हो जाएगी, और इस वजह से बच्चा हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर और पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, वहां पर पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है, जबकि सीरीज में पावर कंजम्पशन कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत है क्योंकि सीरीज में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे बच्चे करंट नहीं चल पाएगा, और यहाँ पर मान लो 100 वॉट का बल्ब फ्यूज भी हो गया तो भी 60 वॉट और 20 वॉट का बल्ब जो होगा बच्चे वो चलता रहेगा, इस वजह से हम पैरेलल ग्रुपिंग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, चले आगे की तरफ बच्चे, यस अच्छा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट था, इसके बाद क्या बच्चा हमारे पास नेक्स्ट वन है बच्चा हमारे पास दिस सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और पावर को देख and the external resistance और इसकी पावर को देख लो, अब फोकस करते जाना बच्चा हमारे पास क्या क्या चीज है, ये बच्चे मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर एक के बजाय 2, 3, 4 जितने मर्जी सेल और भी हो सकते हैं, सेल्स की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, और ये बच्चा हमारे पास आ गया R1, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद बच्चा हमारे पास ये आपके लिए नीचे की तरफ को क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया, ये बच्चा हमारे पास कैपिटल आर ओम आ गया, यहाँ पर करंट चलेगा, अब फोकस करते जाना, नंबर वन आपके पास यहाँ पर करंट इन दिस सर्किट किसके बराबर है, करंट किसके बराबर है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू बच्चे ए डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ कैपिटल, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर टीचर हो सकता है डबल सेल दे दे, हो सकता है टीचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दे दे, इंटरनल रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर नेट ईएमएफ का तरीका आपको बताया जा चुका है, आपको नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बताया जा चुका है, और यहाँ पर नीचे सिंगल रेजिस्टेंस के अलावा और भी कई रेजिस्टेंसेज हो सकती है, ये नेट रेजिस्टेंस करंट आ गया, करंट नेक्स्ट इज
दे अ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल, पावर इनपुट, इसको बच्चे आप क्या बोलोगे, पावर इनपुट, इसको बच्चे आप क्या बोलोगे, पावर इनपुट, और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास पावर इनपुट है और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई, ई और बच्चे आई, आई करंट हम निकाल चुके, ये बच्चे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दी आपके पास केमिकल एनर्जी ऑफ दी सेल। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रेट ऑफ द पावर एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन एट एट एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर, जो बच्चे आपका एक्सटर्नल रजिस्टर है उसके ऊपर बच्चे कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसको बच्चे आप क्या बोलोगे, पावर आउटपुट, दिस इज द पावर आउटपुट, और ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, आई स्क्वेयर इंटू आर, और दिस इज गिवन बाय, और ये बच्चा हमारे पास है ई स्क्वेयर अपॉन बच्चा आर प्लस ऑफ आर का होल स्क्वेयर इनटू कैपिटल आर, ये बच्चा आपके पास है आउटपुट पावर, और इनपुट पावर अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट क्या आ जाती है बच्चे, एफिशिएंसी, और फिर बच्चा हमारे पास वहां पर एफिशिएंसी भी आ सकती है, वो एक अलग बात है, उसको बच्चे बाद में देख सकते, तो बच्चा हम उसको अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई टीचर बोलता है एफिशिएंसी किसके बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा ई स्क्वेयर आर पावर आउटपुट, तो ई स्क्वेयर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा, और आपके पास ई इंटू आई इनपुट है तो बच्चे ई आ जाएगा, और आई का मतलब E square और बच्चा R plus into R, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो बच्चा आपके पास कितनी चीज आ जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा, R divided by बच्चा R plus of smaller, ये हमारे पास इसकी efficiency, याद रखना ये सिंगल नहीं हो सकती, ये बच्चा डबल भी हो सकती है, ये नेट रेजिस्टेंसेज है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बच्चा इसके अंदर से एक सेल और एक रजिस्टर को याद करके चले जाता है, जिससे आगे चलकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिससे आगे चलकर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, एक और चीज और वो ये बच्चा हमारे पास द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड सेल, द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, द रेट ऑफ द एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर बच्चे आपकी पावर डिसिपेट हो रही है, यानी कि आप इसको कौन सी पावर बोलोगे, वो पावर जो आपको कभी मिली नहीं, और इसका रीजन क्या था बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसने वो पावर बाहर आनी ही नहीं थी, आपके पास इनपुट इतना था आउटपुट इतना आया, तो बच्चे क्यों हुआ ऐसा अलग, क्योंकि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी कुछ एनर्जी को यूज कर लिया, और इस वजह से उसका फॉर्मूला किसके बराबर है, ई स्क्वायर इनटू सॉरी आई स्क्वेयर इनटू आर, आई स्क्वेयर इनटू आर, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल, याद रख लेना बच्चे, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड दी सेल आई स्क्वेयर इनटू आर, और स्मॉल आर क्या बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस, दो सेल होंगे तीन सेल होंगे तो ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है बड़े आराम से, ये टॉपिक बच्चे सीबीएसई के लिए तो बेटा याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा हमारे पास सीबीएसई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर बच्चे अब मेरे पास क्या आ जाती है, विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मेरे पास यहाँ पर एक सेल है बच्चे, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं सीरीज में पैरेलल में, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है,
इसके अलावा और भी कई सेल हो सकते हैं और ये उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम आ जाएगा और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमारे पास पावर आउटपुट किसके बराबर आ रही थी, पावर आउटपुट, जो पावर आउटपुट आ रही है बच्चे वो आ रही है ई स्क्वायर आर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा आर प्लस आर का होल फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर, फॉर द मैक्सिमम आउटपुट पावर, बताओ क्या चीज आ जाएगी। अगर मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट पावर है तो डीपी अपॉन डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो। अब ये डिफ्रेंसिएशन आपको आनी चाहिए और ये एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि आप इससे मैक्सिमम पावर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सो डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, ई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया और बच्चे आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू बच्चे डी आर अपॉन डी आर माइनस ऑफ आर बाहर आ जाएगा डी बाई डी आर ऑफ क्या आ जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे बच्चे हमारे पास आर प्लस आर का फोर इज इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर आएगा डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और जीरो क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर निकालना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर डी आर बाय डी आर वन आ जाएगा माइनस ऑफ आर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा टू इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर इंटू आर प्लस ऑफ आर, ये कैंसल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आर प्लस आर इज इक्वल टू टू आर और आर इज इक्वल टू आर। लेकिन मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं बच्चे, ये सिंगल सेल की नहीं, अगर बच्चे अंदर मेरे पास एक से ज्यादा सेल हुए और यहां पर बच्चे हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हुई तो ये नेट ईएमएफ निकालना, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं बच्चे कि मैक्सिमम पावर कितने के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम पावर के लिए अब आप क्या करोगे आर इज इक्वल टू स्मॉल आर के बराबर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा ई स्क्वेयर अपॉन आपके पास फोर, दिस इज द मैक्सिमम पावर। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर कब होती है बच्चे जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं फिर आपको बोल रहा हूं ये नेट होगी, यहां पर भी दिमाग में रखना ये नेट है और ये भी ध्यान रखना ये सिंगल सेल नहीं है, अगर बहुत सारे सेल होंगे तो आप नेट ईएमएफ निकालोगे। इस वजह से ये टॉपिक पिछले टॉपिक से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बच्चे फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर क्या लिखे। हाँ बोल 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 शाबाश बोल 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 फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर क्या क्या लिखा है। फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर है ना बच्चे हमारे पास, आपके पास कोई भी चीज, आपके पास मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है बेटा। सर मेडिकल। मेडिकल तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे आपको और प्लस वन के अंदर बच्चे अगर मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम नहीं की तो और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे अगर किसी भी चीज की, अगर किसी भी चीज की बच्चे वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर इसने मैक्सिमम होना है तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर तो डीपी अपॉन डी आर डिफरेंशिएशन करते हैं ये बच्चे जीरो हो जाएगी। अगर आपको नहीं आती ना बच्चे तो आप मुझे बता दीजिएगा सेपरेटली, तो फिर बच्चे तब तक आप इसको याद तो कर सकते हो ना कि आप इसको आर इज इक्वल टू आर कर दीजिए तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। आप इस स्टेप को बच्चे स्किप कर सकते हो क्योंकि ये स्टेप बच्चे फिर आपके पास प्लस वन के मैथमेटिकल टूल्स का बच्चे, तो मेरे से एक्स्ट्रा कभी बच्चे आप क्लास लेके एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
फिर आपको पता लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। फिलहाल अगर कोई चीज मैक्सिमम होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो हो जाती है। सॉल्व करेंगे सब कुछ तो मैक्सिमम पावर किसके बराबर आ जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन फोर आर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, आर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपको बच्चे क्लास ले लेना एक्स्ट्रा कभी भी और मुझे बता देना। नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है बच्चे, ये देखिए इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास है यहाँ पर पावर जो बच्चे आपके पास है, और ये बच्चे हमारे पास है आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये बच्चा आपका ग्राफ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे बनता है। ये हमारे पास एक ऐसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जहां पर आपकी पावर क्या हो जाती है मैक्सिमम यहां पर। लेकिन इस ग्राफ से बच्चे मुझे एक चीज और पता लग रही है, बताओ क्या, यहां पर दो ऐसी रेजिस्टेंसेस भी हो सकती हैं बच्चे, यहां पर मेरे पास दो ऐसी रेजिस्टेंसेस भी हो सकती हैं आर वन और आर टू, जिसके ऊपर बच्चे पावर डिसिपेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है बच्चे, सेम आ रही है। ये कॉन्सेप्ट There are two different resistances. यहां पर बच्चे दो different resistances होती हैं R1 ohm and R2 ohm. For which, जिसके लिए बच्चे power dissipated इससे. जो पावर डिसिपेट हो जाती है बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, द पावर डिसिपेटेड इज सेम। और ये जो रेजिस्टेंसेस होती हैं इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट ले लीजिए, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। और कोई बच्चा बता सकता है इसको आप कौन सा मीन बोलते हो बच्चे, शाबाश बोलो, कौन सा मीन बोलते हो बच्चे आप इसको, बताओ, अंडर रूट ऑफ आर वन, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल मीन। ये बच्चे अब कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन, ये ज्योमेट्रिकल मीन। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जहां पे टीचर बोलेगा दो रेजिस्टेंसेस हैं, टीचर आपको मान लो क्वेश्चन दे देता है कि मेरे पास आर वन जो है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास 8 ओम है, और आर टू जो है बच्चे हमारे पास 2 ओम है, फॉर विच पावर डिसिपेशन इज सेम। जिसके लिए बच्चे पावर डिसिपेशन आपके पास कैसे इससे, द पावर डिसिपेशन इज सेम, देयरफॉर बच्चे अब आप बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, बोलो शाबाश, अब बताओ क्या हो जाएगी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे, शाबाश बोलो, बोलो बच्चे, ये आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम के बराबर। ये बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ये हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ये बात ध्यान रखना बच्चे, अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत अच्छी चीजों की जरूरत होगी, बहुत अच्छी, आपके अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर बच्चे एक टाइम बाउंड, एक बच्चे डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बच्चे की भैया हम नहीं कर पाएंगे ये नहीं सोचना, ये नेगेटिविटी नहीं हो पाएगी, नहीं चल पाएगी ना कि हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्या रीजन है यार बताओ तो सही, क्या आप ये फॉर्मूला कभी याद नहीं कर पाओगे, कभी आप समझ नहीं पाओगे, कभी आप इसको मल्टीप्लाई करके रूप नहीं ले पाओगे, कभी ये नहीं देख पाओगे कि दो ऐसी रेजिस्टेंसेज हैं जिस पे पावर डिसिपेटेड सेम हो जाती है। लेकिन अगर R इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल R है तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम, नेगेटिविटी नहीं लेके आने कि हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे यार, बाकी दुनिया करती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास है इसमें से द हीट एनर्जी डेवलप्ड। आपके पास बच्चे जो हीट एनर्जी डेवलप होती है कांस्टेंट करंट के ऊपर बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट करंट के ऊपर ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है,
या तो ये बच्चा हमारे पास आ जाती है वी आई टी, ये बच्चा हमारे पास वी स्क्वायर आर इंटू टी, ये बच्चा हमारे पास आ जाती है वी स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर बच्चा हमारे पास एक इसके बराबर आ जाती है आई स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन कॉन्स्टेंट करंट। और अगर वेरिएबल करंट है बच्चे, वेरिएबल करंट के लिए बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये वेरिएबल करंट है। जब करंट बच्चा हमारे पास वेरी करता है, इसके बहुत सिंपल बच्चे डायरेक्ट, अभी हम क्वेश्चन तो नहीं करेंगे बेटा, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, वैल्यू डालनी है आंसर आ जाएगा। ये हीट एनर्जी डेवलप और हीट एनर्जी डिसिपेटेड है बच्चे, दिस इज द हीट एनर्जी डिसिपेटेड, ये हमारे पास सीधा सीधा। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक ऑप्शनल टॉपिक आता बच्चे फ्यूज वायर, ये बच्चे ऑप्शनल टॉपिक आता है बच्चे हमारे पास फ्यूज वायर, ऑप्शनल टॉपिक फ्यूज वायर। एक फ्यूज वायर, एक बच्चे हमारे पास जो फ्यूज वायर है बच्चे, उसके अंदर जो हीट डेवलप होती है बच्चे, हीट डेवलप पर यूनिट टाइम ये अगर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंच जाए तो बच्चे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, और जो हीट डेवलप होती है बच्चे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर अपॉन रेडियस का क्यूब। ये बच्चा हमारे पास वायर है, और ये वायर का बच्चा हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया आर के बराबर, और ये बच्चा हमारे पास इसकी लेंथ आ गई एल, और बच्चे आई इसमें से पास होने वाला क्या करंट है। तो हीट डेवलप पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, रेडियस का क्यूब, और ये बच्चे इनडिपेंडेंट है लेंथ के, दिस इज इनडिपेंडेंट ऑफ क्या है बच्चे आपके पास, शाबाश बताओ, ये लेंथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता बच्चे, ये लेंथ के ऊपर बच्चे डिपेंड नहीं करते कभी भी, ये बच्चे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस ऑफ वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ वायर के बच्चे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है इसके अंदर से, देखिए क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चे हमारे पास, मैक्सिमम करंट जिसके ऊपर जाकर ये फ्यूज हो जाती है बच्चे, मैक्सिमम करंट ऑफ अ वायर अगर बच्चा हमारे पास 15 एम्पेयर है, जब रेडियस बच्चा आपके पास 0.2 मिलीमीटर के बराबर है बच्चे, मैक्सिमम करंट ऑफ वायर बिकम्स 30 एम्पेयर, ये बच्चा आपके पास अगर 30 एम्पेयर बन जाते तो मुझे बताना बच्चे कि रेडियस किसके बराबर है। अब मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, यानी कि उसको जो हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए वो तो बच्चे उतना ही रहेगा। इस वजह से बच्चे इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा, और वो क्या है बच्चे हमारे पास, आई वन का स्क्वायर आर वन का क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट सेम, आई टू का स्क्वायर और आर टू का क्यूब, आई वन का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आर वन का क्यूब 0.2 मिलीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास 30 का स्क्वायर और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आर टू का क्यूब, ये बच्चा हमारे पास कैंसिल होके आर टू का क्यूब 0.2 का होल क्यूब और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 30/15 का होल स्क्वायर, यह कैंसिल होके 4 आपके पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और आर टू का क्यूब इज इक्वल टू 0.2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लीजिए, आर टू इज इक्वल टू 0.2 इंटू 4 का क्यूब रूट, और 4 का क्यूब रूट होता है 1.5, तो 0.2 इंटू 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चे ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 0. बच्चा हमारे पास यहाँ पर 30 मिलीमीटर, ये बच्चा हमारे पास इसके बराबर इसका आंसर आ जाएगा।
ये ऑप्शनल टॉपिक है बच्चा, आजकल वैसे फ्यूज वायर पूछा नहीं जाता है, लेकिन बच्चे ये ऑप्शनल टॉपिक है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स, ये बच्चा अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश हो जाता है बच्चा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कल आपका टेस्ट है बच्चा, और टेस्ट की डिटेल तब शेयर होगी, क्योंकि बच्चे मैं टाइम डाल देता होता हूँ, फिर बच्चा बोलता है मेरी इस वक्त क्लास थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, रात तक बच्चे मुझे आप बता देना, क्योंकि फिर बच्चे देखिए, फिर जिस बच्चे का टेस्ट छूटेगा वो छूटेगा, फिर बच्चे मैं बॉदर नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में आप बता रहे हो, पहले बता दो कि कल हमारी इतने इतने बजे क्लास है, तो 8 बजे तक या 9 बजे तक बता देना कब कब कौन से क्लास है, मैं उसके हिसाब से अरेंज कर दूंगा। ठीक है, सो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लेकिन इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे, और कोशिश करूंगा बच्चे कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकूं। 65% ऑफ पेपर बेटा याद रखना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 60 पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आता है, इस वजह से इसमें से कोई भी एक टॉपिक छोड़ना बहुत बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन रह गए हैं, मैं मात मानता हूँ, लेकिन हम करवा देंगे, पहले चैप्टर हम फिनिश करवा देते, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे। ओके बच्चे, बाय बाय।